जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने ऑफिस यूट्यूब चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले सामान्य हिंदी सामान्य ज्ञान समसामयिक की से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो आपकी सस्ती जीडी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन लोहित वादी के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या है, गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दर उल सफा का क्या होता था? तो चिकित्सालय। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो वो अहमदनगर पर किया था। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, तमिल के लोकप्रियम किस विषय से संबंधित हैं? तो तमिल व्याकरण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? वो ऋग्वेद संहिता से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो वो गुरु तेग बहादुर को दी थी। अगला क्वेश्चन, 11वां नंबर, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? वो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या का करा दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस में मुक्तिदाता किसको कहा जाता था? तो वो सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वो कहा था वेलेंटाइन चिरोल ने। अगला क्वेश्चन, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वो थी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड चेप्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? वो चंपारण में प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष पारित की गई? तो उसका राइट आंसर 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक से निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? वो रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा एवं स्वराज से संबंध व्यवस्थित। तो क्वेश्चन दिया गया, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, संविधान के किस संशोधन द्वारा उसने समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वें। अगला क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, संपत्ति के आधार अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? वो 44 संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक की किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन, किस खेल का शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार है? खेल क्विट वारंटो विट। अगला क्वेश्चन है, 27 नंबर, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों को किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? वो संसद द्वारा महाभियोग पारित करके। किस अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? वो वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति के किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, केवल संसदीय संकट के समय। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेशी सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियां में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थीं? तो वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान अनुच्छेद 14 में, भारतीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? वह देवास में। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? वो 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्पेशल ड्राइंग राइट्स ESDR किस रूप में होती है? तो बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। अगला नंबर, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र ICSID का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? विश्व बैंक WB से है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? न्यायपूर्ण विवरण एवं समानता के साथ विकास। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? तो 75.25 के आधार पर। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित, तो शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है ब्राजील। अगला क्वेश्चन, लडोगा झील किस देश में स्थित है? वो रूस में। अगला, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है भाई, चंबल केन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं? यमुना नदी की। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ किस पर्वत श्रेणी पर मिलती हैं? पालनी पर्वत श्रेणी पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधान माध्यवाह रेखा ग्रीनविच से गुजरती है, वह यह स्थान किस देश में है? वो इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन, धारिता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास चलती हुई तेज पछुआ हवाएं। अगला क्वेश्चन, सना किस देश की राजधानी है? वो यमन की राजधानी। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है? कम से कम 5 साल का। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किस 2 श्रेणियों में उच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार है? सार्वजनिक महत्व के लिए किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठाने पर एवं किसी
पूर्व संवैधानिक संधि समझौता आदि मामले विवाद उत्पन्न होने पर। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरना विचारों का आदान प्रदान। वो प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 में। अगला क्वेश्चन, कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम अखिल भारतीय विधेयक सेवा के निर्माण की व्याख्या प्रावधान करता है। वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है 60वां नंबर, यह किसकी शपथ के प्रारूप का भाग है, मैं समझ प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत तर्कसंगत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 127 के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया, तो वो वर्ष 1968 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए वर्ष 2000 में बनाए गए आयोग अध्यक्ष कौन थे, श्री M.N. वैंकट चलैया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 ईस्वी में किस राज्य में किया गया, तो वो महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 50 के। आगे हमारे और क्वेश्चन है जो जी के खेल से संबंधित है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है खेल से संबंधित, खेलों की रानी किसे कहा जाता है, तो एथलेटिक्स को। अगला क्वेश्चन है, पंच कट नॉट आउट फ्लाइंग वेट शब्द किस खेल से प्रयोग किए जाते हैं, वो बॉक्सिंग में। अगला क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी का निक नेम है, सुए अख्तर। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था, वो अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धक्का लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, वह शांता रंगा स्वामी। अगला क्वेश्चन है, बाईचुंग भूटिया किस राज्य में स्थित है, वह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, धनुर्विद्या आचार्य किस देश का राष्ट्रीय खेल है, वो भूटान का। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सानिया रिचर्ड किस खेल की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स की। अगला क्वेश्चन, कोनेरू हम्पी किस खेल की प्रमुख खिलाड़ी हैं, वो शतरंज चेस की। अगला क्वेश्चन भाई हमारे कृषि से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर GK है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया, वो वर्ष 2008। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी, यो इसका राइट आंसर 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, वो पुडुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, विटामिन A का अच्छा स्रोत है। आम की रूमानी प्रजाति कौन सी है, ऑफ सीजन वैरायटी। अगला क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पादन संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, अमरूद जैली। अगला क्वेश्चन, आलू पोटैटो की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है, चिप्सोना। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1905 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे के क्वेश्चन हमारे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, घेगा रोग किसकी कमी से होता है, थाई राक्सिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, वो कवकों से। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, वो तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन, एयर कंडीशनर किसको
नियंत्रित करता है ताप एवं आर्द्रता को। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में DOS का क्या अर्थ है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन भाई, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रेनल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है भाई, एक ऊपर छूट गया है। अगला क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग की संभावनाएं होती हैं, पैलेग्रा। अगला क्वेश्चन, 1 मेगावाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 × 109 जूल। अगला क्वेश्चन, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो विषाणु वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है, खगोलीय दूरदर्शी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, बेंजीन पेट्रोलियम तथा एथिल एल्कोहल के मिश्रण को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है, वो ग्रेफाइट। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं, उसे नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये थे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।